एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में आपको वो सभी बातों का जवाब मिलने वाला है जो कि आप टेंशन में रहते हैं कि पेपर समय पे हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको पहले मैथ के पेपर में कौन सा सेट सबसे पहले करना है, टाइम कैसे मैनेज करना है, आंसर को अपने प्रेजेंटेशन को कैसे बेस्ट करना है, वो सभी चीज़ का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहला डाउट ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्या रहता है कि हमें सबसे पहले कौन सा सेक्शन करना है। तो हमें सबसे पहले ए से स्टार्ट करें या पहले डी से स्टार्ट करें। तो डी जो सेक्शन है आपका वो सबसे ज़्यादा वेटेज वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। इससे क्या होगा, क्योंकि आप पेपर में स्टार्टिंग में जाते हैं तो आपका माइंड, आपका मूड काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, घुमावदार क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कुछ ऐसे आते हैं जो कि आपको घुमा देता है। तो अगर आप पूरा पेपर करके जाओगे, ठीक है, यहाँ तक आते आते आपका थोड़ा मूड सा खराब हो जाएगा, थोड़ा मूड गड़बड़ भी हो सकता है, जिस वजह से ये क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। क्योंकि मैथ में क्या होता है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है और कैलकुलेशन कर करके आपका मूड और आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस ज़्यादा है। तो पहले ही इनको कन्फर्म करो, इसको भी कन्फर्म करो और इसको भी कन्फर्म करो। जो MCQ है 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, अगर आपके पास दिख रहा है कि लास्ट में आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो आप सभी के सभी MCQs को क्या करना है, सॉल्व करके एक एक करके माइंड को थोड़ा शांत करके करना है, ठीक है। और याद रखना, जब MCQ करोगे तो उसको कैसे करना है मैं वो आपको वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको पहले सेक्शन में क्या करना है, डी करना है, बी करना है, सी करना है या ए करना है, ठीक है। पेपर कोई सा भी हो, मैथ, हिंदी, SST, साइंस, कुछ भी पेपर हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हर एक स्टूडेंट को होता है, तो ये आपको फेस ना करना पड़े, इसलिए ये जरूर जान लो कि आपको टाइम कैसे मैनेज करना है। याद रखना कि आपको 80 नंबर के पेपर के लिए आपको कितना घंटा मिलता है, 3 घंटा मिलता है, ठीक है। तो 80 नंबर का पेपर है, हर एक क्वेश्चन को, हर एक मार्क्स के लिए मैं कहता हूँ 2 मिनट देने आपको, तो टोटल आपके कितने मिनट जाएंगे, 160 मिनट चले जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और मिलते कितने मिनट हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलते हैं 180 मिनट। तो अभी भी मेरे पास कितने मिनट बाकी रह गए, मेरे पास अभी रह गए बाकी 20 मिनट। और 20 मिनट में आपको क्या करना है, 10 मिनट स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन को रीड करना है, और एंड में के जो 10 मिनट रह जाते हैं ना, उसमें आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चनों को रीचेक करना है कि कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है, कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, कोई क्वेश्चन डाउट में है तो उसको देखो दोबारा से, ठीक है। तो इस 20 मिनट को कैसे यूज़ करना है वो भी समझ में आ गया, टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। या फिर आप सेक्शन वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कोई सेक्शन है, सेक्शन ए आपका 20 नंबर का है मैं एज्यूम कर रहा हूँ, तो आपको उसके लिए कितना मिनट देना है, 20 × 2, उसके लिए आपको 40 मिनट देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो समझ में आया। अब मैं बात करता हूँ पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है। पेपर प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती कर देते हैं। देखो मैथ कैसे पेपर प्रेजेंट करना है, सबसे पहली गलती, मान लो कि एक्स की वैल्यू आपकी आई है 15, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर मत छोड़ो। जैसे कि ये एक्स, मैंने क्वेश्चन ले लेता हूँ, जैसे मैं मान लेता हूँ सोनू की एज यहाँ पर लिखते हैं, माना कि सोनू की एज, हम करते हैं ना इंग्लिश में लेट द एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इक्वल टू एक्स करते हैं, तो हमारा एक्स में क्वेश्चन चलता है और एक्स का मान हमारा आ जाता है 15, तो हम लिख देते हैं लास्ट में एक्स इक्वल टू 15, डैट इज योर आंसर। यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना, सबसे बड़ी गलती है, यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना, लास्ट में लिखना है कि जो सोनू की एज है, यहाँ पे लिखना है एज ऑफ सोनू, ठीक है, वो लाइन लिखना है, उसके बाद लिखना है 15 ईयर, ठीक है। मैं यहाँ पे जस्ट एग्जांपल ले रहा था, आपको पता चल गया होगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ। और लास्ट में जो आपका आंसर आएगा उसको इस तरीके से बॉक्स में बंद करना है, ताकि जो फोकस जाएगा आपके आंसर पे जाएगा। उसके बाद ध्यान रखना है, जैसे कि ये यूनिट पे ईयर आ रहा है, एज वाले क्वेश्चन है तो ईयर लगाना है, मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब है, किलोमीटर आ रहा है, ठीक है, इन सब बातों के यूनिट का ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, हाफ मार्क्स, ठीक है, या एक नंबर कटने के डर होते हैं, ठीक है, और कटने का डर क्या, कटता ही है। तो ये सारी गलतियाँ आपको, जो छोटी छोटी सी गलतियाँ हैं ना, वो आपको नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर ही दिया तो ये लाइन लिखने में क्या जाता है, आपने जो ये लाइन है, ठीक है, इसका भी मार्क्स कट जाता है और इसका भी मार्क्स कट जाता है, तो ये आपको गलती नहीं करना। बात का याद रखना है कि आपको अपना क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसके बाद जब भी आपका आंसर खत्म होगा तो एक सिंगल लाइन आपको ड्रॉ कर देना है, जिससे क्या होगा आपका क्वेश्चन जो अलग से ही दिखेगा और हर एक क्वेश्चन इजिली चेक हो पाएंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन जो है आपके आंसर समेत अच्छे से दिखाई देंगे उसको, ठीक है। और अगर आप आंसर को इस तरीके से बॉक्स में बंद करेंगे, जो कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था आपको,
उससे तो और आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और एक बात का याद रखना, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं, मैथ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब भी आप आंसर लिख रहे हैं इसमें जो भी फॉर्मूला यूज़ हुआ है ना उसको ब्रैकेट में ज़रूर लिखना, ठीक है, ब्रैकेट में ज़रूर लिखना है जो भी फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं। उससे क्या होता है, जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया और उसका फॉर्मूला लिख दिया आपने, ठीक है, जो भी उसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो उसमें क्या होता है, वन मार्क्स हाफ मार्क्स ज़रूर मिल जाता है। कुछ ना मिलने से अच्छा है कि आपको एक नंबर आधा नंबर मिल रहा है, ठीक है। और अगर आपने इसके साथ साथ लिखा हुआ है फॉर्मूला तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें आपके एक भी मार्क्स कटने का कोई भी डर नहीं होता, ठीक है। मैं ऑप्शन टाइप वाले जो क्वेश्चन है वो कैसे करने हैं वो सुन लो। जैसे कि आपको ऑप्शन है ए बी सी और डी, और इसका राइट आंसर मान लेते हैं हम बी है, तो राइट आंसर में जैसे कि मैंने ले लिया 15, 20, 25 और 30 इस तरीके से। अब बाय चांस आपने लिखा तो ऑप्शन बी है और इसमें से लिख दिया आपने 25, या फिर आपने लिख दिया इस तरीके से 30, ठीक है, तो इस ऑप्शन की वजह से ना, चाहे आपने ये गलत लिखा हो, इस ऑप्शन की वजह से ना आपका आंसर ठीक माना जा सकता है अगर टीचर अच्छा है तो, ठीक है। दो मौके हैं आपके पास, एक तो यहाँ पे आंसर चेक होने का और एक यहाँ पे। अगर बाय चांस यहाँ पे आपने सही लिखा हुआ और यहाँ पे गलत, तो इसको अनदेखा करके, इसको देख के वो मार्क्स दे सकता है। तो याद रखना, आपको जो ऑप्शन टाइप करना है ऑप्शन समेत जो उसका राइट आंसर है उसको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो डायग्राम वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो सभी के सभी डायग्राम वाले क्वेश्चन को पेंसिल से डायग्राम बनाना है। ग्राफ आपका पेंसिल से बनेगा, पेन से मत बनाना, क्योंकि अगर आपने कटिंग कर दिया ग्राफ वाले में या फिर डायग्राम वाले में तो आपको एक्स्ट्रा शीट मिलती नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप अपनी शीट को बर्बाद करोगे, कटिंग करोगे, तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो वाले क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखना हर एक क्वेश्चन में आपको गिवन, टू प्रूफ, ठीक है, और प्रूफ, हर एक क्वेश्चन में लिखना है। गिवन तो आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना होता है, टू प्रूफ आपको क्वेश्चन में से देख के लिखना होता है, प्रूफ आपको करना होता है। और याद होगा आपको मैंने एक और वीडियो में बताई थी कि गिवन और टू प्रूफ लिखने के भी आपके एक नंबर हैं भाई, ठीक है, एक नंबर आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन आगे क्या है क्या नहीं, लेकिन आपने ये दोनों चीज़ लिखी हुई है तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा, खाली नहीं जाने देगा आपको कोई भी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे, थैंक यू सो मच।